हमारे पूर्वज, क्योंकि हमारा जो ताल्लुक है, जो हमारा निकास है, जो हमारी जड़ें हैं, वो तो यूपी से हैं, मथुरा जी। लेकिन सब लोग, दादा नाना बाबा चाचा ताऊ, सब एक गुरुकुल में रियाज इस अंदाज का होता था कि दरो दीवार से सुरों की सदाएं आती थी। तो अब आप अंदाज़ा कर लीजिए कि हम इतने खुशकिस्मत हैं कि ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां हमारे कानों में ये संगीत शुरू से पढ़ा और फिर कुदरत की तरफ से ये खून में रचा बसा है, फिर हमारे गुरुओं का बहुत बड़ा प्रताप आशीर्वाद है। तो जैसा कि आप बता रहे थे, ये तो हम भी आज भी सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि वो क्लासिकल सिखाते सिखाते ऐसा उन्होंने हमें क्यों कहा कि लाइट म्यूजिक गाइए, गज़ल गाइए, और वो भी जोड़ी में बनकर गाइए। ये नहीं कहा कि अकेले गाइए, तुम्हारा नाम भी होगा, तुम्हारी पहचान भी बनेगी। ऐसा ही हुआ। तो मुझे लगता है कोई ये आकाशवाणी हुई, उनको इल्हाम हुआ, कहीं से इल्हाम हुआ, सही इल्हाम हुआ, बिल्कुल अचानक बोल पड़े। ये कोई प्लानिंग नहीं है, ये कोई उनकी बनाई हुई बात नहीं है, कोई किस्सा नहीं है, कोई कहानी नहीं है। सच्चाई ये है कि संगीत अपने आप में एक ऐसी चीज़ है कि जो इबादत की चीज़ है, तपस्या की चीज़ है, आराधना की चीज़ है, साधना की चीज़ है, और इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा करें तो आपको करने के बाद लगता है हमने कुछ नहीं किया। तो उस करने के लिए हर वक्त इस प्राक में रहना चाहिए। 1890 में जी महाराज राम सिंह जी हमारे बुजुर्गों को लेके आए थे, उस्ताद मोहम्मद खान साहब और उनके बिरादरान को, उनको एक हवेली भी दी थी जो मथुरा वालों की हवेली के नाम से है। हमारे पिता श्री सबसे पहले हमारी माता श्री से ये कहा करते थे, गुरुकुल में भेजना है तो पुत्र बना के मत भेजना, शिष्य बना के भेजना, क्योंकि संगीत जो है वो समर्पण मांगता है। और यार हालांकि यूं हमने जब अपनी आँख खोली तो दादा नाना ताऊ चाचा मौसा फूफा सब की आवाज़ें संगीत में जाती, जब हम नावाकिफ थे जी संगीत से, तब भी सुरखान में पढ़ते थे तो माहौल भी मिला। बचपन में खेलने को खिलौनों के तौर भी छोटी छोटी हारमोनियम तबले इस तरीके से, ताकि बुजुर्गों का ये था कि माहौल शास्त्रीय संगीत का रहे। फिर वो हमसे ही कहा करते थे कि देखो, एक वो है कि जो माहौल में ढल जाते हैं, एक वो है कि जो माहौल बदल देते हैं। क्या बात, मेरे इल्म को अपनाना, विधा को, लेकिन मेरी टोन मत अपनाना। तुम्हें जैसे जुड़वा बच्चे भी होते हैं तो उनकी शनाख्त घर वालों को होती है, तो इसी तरह तुम्हारी जो शनाख्त उसके यहाँ से आई, अपनी ही आवाज़ में गाओ। तो और यही कहा करते कि देखो बेटे, जहाँ बिठा दिए जाओ उठाए ना जाओ, जिंदगी गुजारने के लिए पैसा कमाना ज़रूरी है लेकिन पैसा बनाना नहीं। तो इसलिए इन चीज़ों, लेकिन अपने रियाज से कभी गाफिल मत होना और एक हमेशा एकता रखना। तो ये उसका करम है कि आज बचपन से अब तक हमारी जॉइंट फैमिली है, चूल्हा भी एक है, बल्कि जो मेरे भतीजे हैं जावेद हुसैन मौज़म हुसैन, वो मेरे दामाद भी हैं जी। और हमारा भांजा मोहम्मद वकील, वो हमारा दामाद है। तो इस तरीके से घर के घर में ही ये माहौल रहा। फिर उन्होंने बचपन से हमें माहौल दिया। हम उन खुश नसीबों में हैं 1965-66 में नवाब जहीर यावर जंग के यहाँ वालिद साहब के साथ हम जाया करते थे। बड़े खान साहब को भी हमने हाजिरी दी, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब को। और जब तो हमें खुद को पता नहीं है हमने क्या गाया, लेकिन उनका आशीर्वाद मिला कि ये अल्लाह इनको सुरदी मार दे, और मतलब ये सुरीले, अल्लाह ने सुरीला कर दे। तो ये उनकी दुआएं ही हैं। और उनसे एक बार किसी ने एक सवाल किया था कि हसाब आप हर जगह रियाज करने लगते हैं, लोग चुरा देंगे उड़ा देंगे। बोले बेटे, अगर ये चुराने उड़ाने से आता तो मेरा बेटा बन जाता मेरी जैसा। ये तो संगीत तो वो समर्पण मांगता है कि मैं तो अपने कमरे में तेरे ध्यान में गुम था,
घर के लोग कहते हैं सारा घर महकता था। इसी तरह उस्ताद अमीर खान साहब, ये बात है 1960 की, और हमारे वालिद मोहतरम से वो बहुत प्यार करते थे, बड़ी मोहब्बत भी करते थे। उनके जो भाई साहब बशीर खान साहब, उनकी बेटी की शादी थी, तो उस समय हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, तो जब गए तो हमें ये फ़ख्र हासिल है कि उन्होंने अपनी गोदी में बिठाया, हमें प्यार किया है, तो इससे बड़े सर्टिफिकेट नहीं हो सकते। और एक बात साहब और कहना चाहेंगे आपसे कि हमारे जो परदादा थे वो 5 भाई थे, लेकिन हमारे दादा परदादा जो है वो सिर्फ गायन पे रहे, उनके और भाइयों ने, किसी ने पखावज बजाई, किसी ने ढोलक बजाई, किसी ने तबला बजाया, किसी ने दिलरुबा बजा दिया, अलग अलग विधाओं में वो अपने तल्लीन रहते थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गायन होता, मगर हमारा जो वालिद और जो दादा और परदादा और ये, उन्होंने सिर्फ जो फोकस रखा वो गायन पे ही रखा। जी हाँ, क्योंकि गाना, ये पहले कहता गाना, लेकिन जब तक आप सेवा भाव नहीं रखेंगे, और गुरु कभी सिखाता नहीं है, गुरु का दिल जीतना पड़ता है तब वो सिखाता है। उसके तो, अलावा भी आपने एक बात कही थी कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, वो तो मैंने आपको बताया कि ये आकाशवाणी कोई इल्हाम हुआ उनको। तीसरी सीख और दी थी उन्होंने कि भाई अगर आपको संगीत और अपने आप को कायम रखना है तो इसको व्यवसाय ऐसा मत बनाना, अपनी जीविका ध्रुव बनाना, लेकिन व्यवसाय मत बनाना, नहीं तो तुम्हारे पास से संगीत खत्म हो जाएगा और थोड़े दिन में सिर्फ हाथ में आपके पैसा होगा, आप ढूंढते फिरेंगे कि मुझे कहाँ जाना है।